लोकसभा के अंदर इन्फॉर्मेशन दी गई है किसको लेकर, सिलेंडर को लेकर। आपका जो सिलेंडर है वो कितना महंगा हो गया है कितने सालों में, उसकी पूरी जानकारी है जो कि यहाँ पे दे रखी है। आपको आपको मालूम होगा ये दिल्ली के रेट से, इसी के आसपास आपको पूरे देश में भी देखने को मिलते हैं। एलपीजी की जो रेट है दोस्तों वो 1000 रुपए हो चुकी है ना। और जो सिलेंडर का जो रिफिल करवाना है, जो रिफिल करवाने का है वो भी डिक्लाइन हो चुका है, यानी कि लोग उसको रिफिल नहीं करवा रहे हैं क्योंकि महंगा बहुत ज्यादा हो गया है। तो आपको मालूम है आपके घर में जो सिलेंडर आता है वो 14.2 केजी का होता है, जुलाई के अंदर उसकी प्राइस जो है वो 1053 रुपए के आसपास है जो कि पहुंच गई। सब्सिडी जो है वो 200 रुपए पर सिलेंडर की वो अनाउंस करी गई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत, है ना। उसके हिसाब से तो 853 के अंदर है जो कि मिल रहा था, लेकिन 853 अगर आप देखो, दो बात है, या तो आप प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना से आपने सिलेंडर लिया हो तो आपको मिलेगा 853 का, 200 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। अगर आप इसके अंदर नहीं हो, अगर आप नॉर्मल सिलेंडर लेते हो इसमें, तो आपको 1053 रुपए का दिल्ली के अंदर मिलेगा, इसके आसपास 20-50 रुपए आपको पूरा कंट्री में मिलता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने सब्सिडी भी ले रखी है ना, तब भी 2015 में जो प्राइस थी वो 420 रुपए के आसपास थी, तो भी प्राइस क्या हो चुकी है, डबल हो चुकी है, मतलब सब्सिडी के बाद में भी, मतलब ओके। और सब्सिडी जो है वो फाइनेंशियल 2022 में सरकार ने बहुत कम भी कर दी है, आज मात्र 250 करोड़ रुपए मतलब जो है वो सब्सिडी के तौर पर है जो कि दिए जा रहे हैं। एक जमाने में ये जो सब्सिडी सिलेंडर के ऊपर ये 20,000 करोड़ 15,000 करोड़ रुपए की जो है वो हुआ करती थी, यानी कि आप ये मान सकते हो कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के अंडर भी बहुत ही कम लोग है जो कि सिलेंडर ले रहे हैं। मेजरली जो है आपको ये नॉर्मल प्राइस ये जो कि चुकाने पड़ेगी, जो कि नियर बाय 2.5 गुना ज्यादा है जो कि पिछले कुछ सालों में हो चुकी है। अब इसके कारण क्या है दोस्तों, इसके दो मेजर कारण है जिसकी वजह से प्राइस जो है ना आपकी 2015 से 2022 के बीच में आसमान पे पहुंच गई, ठीक है। इसके दो मेजर कारण है, एक तो इंटरनेशनल दोस्तों आपकी प्राइसेस, इंटरनेशनल जो आपकी गैस की प्राइसेस है वो भी बहुत स्काई रॉकेट हुई है। 80-90% जो भी आपको इस प्राइस में देखने को मिल रही है ना वो इंटरनेशनल प्राइस ही है, ओके। 80-90% जो भी प्राइस देखने को मिल रही है वो इंटरनेशनल प्राइस ही है, और सऊदी अरेबिया जो है ना वहां से प्राइस है जो कि हम लोग यहाँ पे मैच करवाते हैं, तो ओके ये वाली बात। अब दूसरा मेजर कारण इसके अंदर क्या है जो कि महंगा होने का, वो है सब्सिडी के अंदर रिडक्शन होना। पहले क्या होता था, महंगा सिलेंडर पहले भी बहुत हुआ करता था इंटरनेशनल मार्केट में, ऐसा नहीं है, 2011-12-13 के टाइम पे भी बहुत महंगा था, लेकिन उस टाइम पे सरकार जो है वो सब्सिडी दे दिया करती थी, है ना। वो बोलती थी कि भाई हम हमारे पॉकेट से दे रहे हैं, आप तो सस्ता ले लो, तो 15,000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी हुआ करती थी, तो आम जनता को सिलेंडर जो है 200-300-400-500-300-400 रुपए में मिल जाया करता था। लेकिन अब जो है सरकार ने क्या कर दिया, इसकी जो सब्सिडी है ना वो डाउन कर दी है, अब उसी प्राइस के ऊपर आपको लेना पड़ रहा है जिसके ऊपर इंटरनेशनल प्राइस है जो कि देखने को मिल रही है। इसके वजह से जो एलपीजी का जो रिफिल है ना दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत जिन लोगों ने सिलेंडर लिया था वो पता है कितना परसेंट लोग रिफिल कर रहे हैं, सिर्फ 5% लोग है जो कि रिफिल कर रहे हैं एक साल के अंदर एक बार, जो कि बहुत ही कम है। मतलब कुल मिला के लोगों ने सिलेंडर तो ले लिया लेकिन उसको उल्टा करके जमीन में गाड़ के उसको चेयर बना के बैठे हुए हैं क्योंकि उसको रिफिल कराने के पैसे नहीं है, और मात्र 5% रिफिल है जो कि आज के टाइम पे देखने को मिल रही है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ बताया गया है किस तरीके से प्राइसेस बढ़ी है, ये तो आपका ठीक है, ये देखिए ये आपका जो प्राइसेस है, ये आपको जो नजर आ रहा है ये वाला, ये सब्सिडाइज एलपीजी प्राइस है रुपीस के अंदर, जो कि किस तरीके से रेट आसमान की तरफ गई है। ये नॉन सब्सिडाइज है एलपीजी प्राइस, ये भी आप देखोगे नीचे गई और अब एकदम से यहां से ऊपर जाते जाते पूरी ऊपर की तरफ है जो कि निकल गई। ये आपका चल रहा है प्राइसेस को लेकर, ठीक है। इंटरनेशनल प्राइस की बात करें तो इंटरनेशनल देखो, करंटली 80-90% जो भी एलपीजी की जो रिटेल प्राइस दिल्ली में मिल रही है ना वो इंटरनेशनल फ्री ऑन बोर्ड एफओबी प्राइस बोलते हैं इसको, ये एवरेज होता है, मतलब सऊदी अरामको का जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ना उसका है, जिसमें 60% ब्यूटेन और प्रोपेन की प्राइस होती है, तो इसी प्राइसेस के अंदर जो अरामको की प्राइस है जो कि हम लोग मंगवाते हैं उसी के अंदर आप इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते हो, थोड़ा सा टैक्स लगा देते हो, बॉटलिंग चार्ज लगाते हो, डिलीवरी चार्ज लगाते हो, है ना, जो भी जीएसटी है थोड़ा बहुत वो लगाते हो, उसके बाद में आपकी फाइनल प्राइस आती है। लेकिन ये जो सारे चार्जेस मैंने आपको बताया ये सब सिर्फ 10-20% के आसपास ही होते हैं, है ना। मेजरली जो है वो 80-90% प्राइस आपका इंटरनेशनल प्राइस है, ये देख सकते हो प्राइस भी जो है वो काफी ऊपर की तरफ चला गया है। सब्सिडीज की बात करें कि पहले कितनी सब्सिडी होती थी, अब कितनी सब्सिडी होती है ना, तो अभी आप देखोगे 17-18 के अंदर भी अगर 23,000 करोड़ की सब्सिडी थी, 18-19 के अंदर 37,000 करोड़ की सब्सिडी थी, उसके बाद में 19-20 के अंदर 24,000 करोड़ की, अब कोविड के बाद से देख सकते हो आप 11,000 करोड़ की सब्सिडी थी
2021 में, और इस बार तो मात्र 250 करोड़ रुपए की सब्सिडी है जो कि रखी गई है। यानी कि आप ये मान सकते हो कि मेजरली लोगों को जो है अभी 1000 रुपए और उसके आसपास में ही गैस सिलेंडर है जो कि लेना पड़ेगा, तो ये सब्सिडीज बहुत कम हो गई है। तो दो इसके कारण है जो कि आपके गैस प्राइसेस बढ़ गए, एक तो इंटरनेशनल प्राइस इसका कारण हो गया और एक हो गया आपका सब्सिडीज में रिडक्शन हो गया। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। रिफिल्स के बारे में बात करें, कई लोग जो एक साल के अंदर 3 बार रिफिल करवाते हैं, मात्र 3 बार, वो पहले थे 2021 में 17%, अभी वो गिर के कितने हो चुके हैं, 15% हो चुके हैं। ओके, दो रिफिल करवाने वाले पहले 3.5% थे, अभी वो हो चुके हैं 4.7%, और जो एक रिफिल करवाने वाले वो 1.9% थे, अभी वो 5% है जो कि हो चुके हैं। यानी कि साल में अगर एक बार रिफिल करवाने वाले की लोगों की मैं बात करूं प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत, ये नॉर्मल की बात नहीं, वो तो हर आदमी गैस सिलेंडर तो लेता ही, उज्ज्वल योजना के तहत तो मात्र 5% ऐसे लोग हैं जो कि साल में एक बार है जो कि रिफिल करवा पा रहे हैं। तो ये नंबर जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। मतलब मोटिव ये था कि लोग क्या करें कि लोग अपने घर में सिलेंडर लें, और ये जो चूल्हा चौका होता है जिसके अंदर महिलाओं को बहुत रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है उसको साइडलाइन करें और गैस को काम में लें, दैट क्लीन एनर्जी है जो कि काम में लें। यही प्राइम पर्पस है जो कि उज्ज्वल योजना का था, जिसके अंदर 25 करोड़ जो है सिलेंडर बांटे जो है वो टोटल गए थे। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी कोई भी फेक न्यूज होते हैं ना उनको आप चेक कर सकते हो, ऑल्ट न्यूज। ठीक है, ये आपके लिए बहुत, अगर आपको कुछ भी चेक करना हो ना, कोई भी ट्वीट किसी ने किया है फेक है कि नहीं है, तो ऑल्ट न्यूज एक फैक्ट चेकर वेबसाइट है। तो इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा रेट बता रखा है कि देखो नॉन सब्सिडाइज प्राइस जो है ना वो पहले 700, ये देखो 2013 के अंदर भी 1000 रुपए के आसपास है जो कि नॉन सब्सिडाइज प्राइस थी, लेकिन सरकार उस टाइम पे सब्सिडी देके 410 रुपए में दिया करती थी। 2014 के अंदर भी 1200 रुपए का सिलेंडर का प्राइस था, लेकिन सरकार 414 रुपए में दिया करती थी। 15, अब देखो इसके अलावा अगर आप देखोगे 18 में भी 809 रुपए का सिलेंडर था नॉन सब्सिडाइज, आज 1000 रुपए का है, लेकिन सरकार आपको 500 रुपए में दिया करती थी। लेकिन अब ये जो नंबर है ना वो आपके क्या हो चुका है, आपके 853 के ऊपर है जो कि पहुंच चुका है। मतलब तो पिछले 10 सालों के अंदर अगर आप प्राइसेस देखोगे तो 3 गुना है जो कि गैसेस के, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट है जो कि पहुंच गई है, मतलब 2.7% क्या 2.